वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम मुबशर सुबेश। जैसा कि आपको कुछ दिन पहले पुराना सीन याद होगा जब तुर्की ने इंडिया की जो वीट थी जो कि गेहूं था उसको रिजेक्ट किया था कि उसके अंदर वायरस है और बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। हाँ मतलब बहुत बड़ा सा मतलब उस एक मतलब डिग्रेड करने की मतलब भारत का जो गेहूं है उसको दुनिया में पूरे बदनाम करने की कोशिश की थी। और आज फिर वही तुर्की भारत की शरण में आ चुका है, मतलब भारत के कदमों में आ गिरा। मतलब क्या सीन हुआ कि मतलब तुर्की फिर से मतलब भारत के कदमों में आ गिरा, किस मामले में आया ये तो वीडियो देखेंगे तब हमें सही से पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का गाइस ये वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजम सब्सक्राइब कीजिएगा। तुर्की को भी शर्म आनी चाहिए, जब पहले किए तो फिर तू फिर क्यों भाई उसी के पास आया। हाँ भाई तुर्की फिर वही बात हुई कि भाई हाँ भाई बिल्कुल अगले के कदमों में घिर जाना। तो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अब से कुछ 15 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि ताइवान ईरान समेत बहुत सारे देशों ने भारत से चाय खरीदना बंद कर दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि हम भारतीय चाय अब नहीं खरीदेंगे। इसके पीछे कारण ये दिया गया था कि भारतीय चाय में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, मतलब भारत में जो चाय के बागान हैं वहाँ पर कीट पतंगों को या खरपतवार को खत्म करने के लिए बहुत सारे केमिकल का सहारा लिया गया है। इसीलिए जो भारतीय चाय है उसमें केमिकल का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उस समय इसको लेकर काफ़ी बवाल भी कटा और इससे पिछले 15 दिनों में ना सिर्फ भारत सरकार को नुकसान हुआ है बल्कि भारत के जो छोटे व्यापारी हैं, बागान मालिक हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, सबको नुकसान पहुँचा है। क्योंकि इस समय श्रीलंका जैसा देश जो चाय का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है इस समय वो एक्सपोर्ट ना के बराबर कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था कि हम भारी मात्रा में चाय बेच सकते थे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में और मोटा मुनाफा कमा सकते थे, जिससे कि हमारे यहाँ पर छोटे व्यापारियों को, चाय बागान के मालिकों को और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को सबको बेनिफिट होने जा रहा था। और इसके अलावा जो चाय हम एक्सपोर्ट करते हैं उसके बदले हमें डॉलर मिलता, विदेशी मुद्रा मिलती, जिससे कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता। लेकिन पिछले 15 दिनों में भारतीय चाय को लेकर जो जो बातें हुई हैं उससे हमारे एक्सपोर्ट पर बिल्कुल फर्क पड़ा। इसको लेकर एक बहुत ज्यादा बड़ा यू टर्न आया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस समय चाय इतनी कम उपलब्ध है कि उसकी कीमतें लगातार आसमान छू रही है और भारत जैसा एक बड़ा एक्सपोर्टर ही इस समय एक्सपोर्ट कर पा रहा है, वरना बाकी के जो चाय उनके वहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। ऐसे में वो अपनी मार्केट में चाय ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं ताकि वहां पर जो चाय के दाम है वो कम रहे, क्योंकि मार्केट में जितनी ज्यादा चाय होगी और खरीदार कम होंगे तो चाय की कीमतें गिरती हैं। ऐसे में भारत ही एक बड़ा एक्सपोर्टर अब बचा है और जो देश चाय सिर्फ इंपोर्ट करते हैं जहां पर चाय नहीं उगाई जाती, जैसे कि रूस हो गया, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, इन देशों में चाय नहीं उगाई जाती, तुर्की आया भाई यार, ऐसे में इन्हें चाय खरीदनी ही खरीदनी होगी। लेकिन 15 दिन पहले ये देश ये कह रहे थे कि भारतीय चाय में केमिकल है, भारतीय चाय खराब है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और भारत को ऐंठ दिखा रहे थे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि आज इनकी ऐंठ ढीली हो चुकी है, खास करके ईरान और तुर्की की। ये देश भारतीय बाजार में लौट आए हैं और भारतीय चाय ही अब खरीद रहे हैं। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं और आने वाले समय में कहा जा रहा है देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चाय लगातार कम उपलब्ध हो रही है। ऐसे में उनकी जो कीमतें हैं आसमान छू रही हैं और तमाम देश भारी मात्रा में अभी चाय के स्टॉक अपने देश में रखना चाहते हैं और इसीलिए भारतीय चाय की डिमांड अब एक बार फिर से आसमान छूने लगी है और ये भारत की एक बहुत ज़्यादा बड़ी जीत है। लेकिन मैं यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ऐड कर दूँ कि भारत एक बात के लिए बहुत सावधान रहे तुर्की के बारे में। तुर्की एक ऐसा देश है, उसने गेहूं के वक्त भी यही किया था, भारत से बड़ी मात्रा में गेहूं की खेप मंगवाई और एंड टाइम पर हमारी गेहूं लेने से मना कर दिया, जिससे कि भारतीय गेहूं को बदनाम करने की कोशिश करी गई।
ऐसे में चाय की केस में भी भारत ये ध्यान रखे कि उनसे चाय के ऑर्डर लेते वक्त भी सावधानी बरती जाए, उनसे शुरुआत में ही हर एक चीज कंफर्म कर ली जाए, पेमेंट पहले ही ले लिया जाए, तब जाकर इन्हें चाय दी जाए। ऐसे में तभी ये सुरक्षित है, वरना ये लोग भारत को बदनाम करने की कोई योजना बनाते हैं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग वीडियो। इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म की। तुर्की यार जो है ना, इससे बच के रहो, सीधी सी बात है, इससे पेमेंट पे बाकियों से लो ना लो, वो तो चलो इस तरह नहीं करते, इस तुर्की से बचो। मैं एक छोटी सी बात ये बोलना चाहूंगा, देखो उसने जिस तरह का एक किस्म का एक बार उसने ट्रस्ट तोड़ा है, उसने ट्रस्ट तोड़ा है जो है ना, इस तरह कर उसको एक किस्म को वापस भेजा था, बदनाम करने की कोशिश की है यार। पहले तो देखो वो इंडियन गवर्नमेंट का अपना फैसला है, हम तो ये कहते हैं ऐसे देश को तो देना ही नहीं चाहिए, सीरियसली यार, क्योंकि अगर वो इस तरह कर सकता है तो वो चाय के मामले में भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, डिग्रेड करने की कोशिश, बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ ऐसे देश को देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो वो क्या कहते हैं, अन्न जो मतलब जो हम खाते हैं उसको ठुकरा सकता है तो वो कुछ भी। और मजे की बात भाई, तुर्की में मुझे बात मतलब आ रही है कि भाई तू इतना बड़ा बांडर था तो तू फिर क्यों गया, फिर क्यों मतलब गया? वो क्या हम एकड़ी दिखा रहा हम एकड़ी मतलब वो जो तू दिखा रहा था वो दिखाता ना तू, तू फिर क्यों गया भाई? हाँ गलत है, मतलब तुम एक ही कंट्री को पहले मतलब डाउनग्रेड कर रहे हो, उसकी बदनामी कर रहे हो और फिर उसी के पास तुम जा रहे हो। मतलब ताइवान हो गया, अब ईरान हो गया, अब तुर्की हो गया, ये कह रहे थे कि इनकी चाय ठीक नहीं है। अब ईरान और तुर्की तो खुद पा रहे हैं चाय ठीक नहीं है, आए क्यों? और अभी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे भाई? तुम ना करते, तुम इस तरह ना करते, तुम इस तरह। और इस टाइम वाकई में इंडिया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय सप्लाई कर रहा है, ठीक है, और उसमें भी इंडिया के सामने इतनी चाय होती है कि आपकी सोच वाकई में उसमें भी इतनी बातें ये बना रहे थे, अब क्यों आयो ना भाई? ठंडा कर दिया गया, सीधी ठंडा हो जाएगा। मतलब यार ये हद होती है वैसे एक किस्म की प्रोपेगेंडा की, यार नहीं करना प्रोपेगेंडा भारत की। मतलब पहले तुमने गेहूं पे किया, उस टाइम गेहूं की शॉर्टेज थी पूरी दुनिया में, अब चाय की हुई तो इस पे थोड़ा टाइम सफर करो, थोड़ा टाइम सफर करो। अगर ये दुनिया को चाय ना मिली ना, जो चाय पीता है ना उसको पता होता है इसकी कि क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है। हमें तो चाय न पियो बहन, तो न पियो हम देखो सर्दी में पीते हैं, हम गर्मी में चाय इतनी नहीं पीते हैं, हम दूध पीते हैं, पीते हैं एक आध, फिर भी जाकर पी लेते हैं। लेकिन जो दिन में सुबह से शाम तक घर कम हो जाती है, कम चाय पी जाता है, कितने लोग पी जाते हैं, तो ये उनसे पता करो, इनको पता चल जाएगा कि चाय तुर्की में नहीं। तुर्की में तो भाई है भी वो ठंड है, और वो आए क्यों है? वो आए क्यों है कि सस्ती इंडिया दे रहा है, सस्ती दे रहा है, दूसरे देश के महंगी दे रहे हैं, इतनी महंगी दे रहे हैं। गाइस आप लोगों को इस मामले में क्या कहना है, स्पेशली तुर्की के बारे में और ईरान के बारे में क्या कहते हो, कमेंट में बताओ। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।